लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन साबरी एआई न्यूज से। आज हम बात करेंगे एक बेजुबान जानवर की मौत के बारे में। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक बिल्डर है रूपारेल, जिनकी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर करंट लगने से बेजुबान जानवर की मौत हो गई। लेकिन जायजा लेने के बाद और वीडियो देखने के बाद ये हमें पता चला कि इस जगह पर कुत्ते की जगह किसी इंसान की भी मौत हो सकती थी, क्योंकि उनके अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ओपन रास्ता है जहां पर वहां के बच्चे आम जनता आते जाते रहते हैं। और एक दो दिन पहले ही बोलते वहां साइट पे बुलडोजर चलाया गया, जिसके कारण पानी की पाइपलाइन फूट गई जहां से पानी बाहर रिस रहा था। और दूसरी तरफ जो उन बुलडोजर ने जो वायर कट कर दिए थे, वो उनके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो भी लोग थे उनका ध्यान देना उनका कर्तव्य बनता था कि इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इस गर्मी की शिद्दत में एक कुत्ता पानी की प्यास में पानी पीने के लिए वहां जब पहुंचा, जैसे ही पानी पीने के लिए उसने जबान लगाई उसको करंट लगा और उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। इस जगह पर शायद इंसान के बच्चे भी हुआ हो सकते थे, कोई दूसरे इंसान भी हुआ हो सकता था, वहां पर इंसान की भी मौत हो सकती थी। लेकिन बिल्डर के लोग इस बात को दबाने के लिए कुत्ते की शव को ठिकाने लगाने वाले थे कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उस कुत्ते के शव को अपने ताबे में लेके पंचनामा किया, पंचनामा करके अभी फिलहाल उस कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट लगने से कुत्ते की मौत हुई है तो प्रशासन पुलिस उस बिल्डर के ऊपर या अडानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई कार्रवाई करती है के नहीं, क्योंकि ये बड़े बिल्डर्स हैं, इनको बड़ी आसानी से इनको छुटकारा मिल जाता है। अगर यही चीज किसी इंसान मरता, किसी इंसान की मौत होती करंट लगने से, अगर इसी जगह किसी इंसान पानी पीने के लिए या पानी के करीब जाता है, किसी कोई बच्चा जाता है, अगर उसकी मौत हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा होते होते रुका है। लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से इस मामले की जांच करती है, निष्पक्ष जांच करती है और रूपारेल बिल्डर पे कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, ये जनता इंतजार कर रही है। आइए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सारे फुटेज